हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। माय नेम इज़ डॉक्टर सूरज भटनागर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल पर आपको बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड सभी टॉपिक्स की वीडियो मिल जाती है और मैथमेटिक्स से संबंधित जो भी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक्स के वीडियो भी आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाते हैं। तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के लिए ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक से असाइनमेंट प्रॉब्लम की। इसकी जो बेसिक जानकारी थी वो हमने अपने पिछले वीडियो में देखी थी। आज हम इस वीडियो के अंदर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम के, कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स ने वो पिछला वीडियो नहीं देखा हो या उस वीडियो में कोई डाउट रह गया हो तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आप इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी वो समस्या सॉल्व हो जाए। अगर आज आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो से कुछ सीख सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। ठीक है, देखिए इसके अंदर दिया हुआ है कि एक विभागीय अध्यक्ष के अधीन चार कार्यकर्ता तथा चार कार्य संपन्न करने हैं। चार व्यक्ति हैं और चार कार्य हैं जो उनके द्वारा करवाने हैं। कार्यों का कठिनाई स्तर तथा कार्यकर्ताओं की क्षमता भिन्न भिन्न है। प्रत्येक कार्य को करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा लिया गया अनुमानित समय निम्न प्रभावित मैट्रिक्स में दर्शाया गया है। विभिन्न कार्य प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार निर्धारित किए जाएंगे कि कार्य संपन्न करने में कम से कम समय लगे। तो कार्य को, चार व्यक्तियों को चार कार्य संपन्न करवाने हैं और समय को हमें यहाँ पर न्यूनतम करना है। तो इसको हम अपने इस प्रोसेस के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन मैट्रिक्स को सॉल्व करने का जो सबसे पहला नियम क्या है, सबसे पहला नियम है कि जो प्रत्येक पंक्ति है उसके न्यूनतम अवयव को उसी पंक्ति में से घटाना है, हर पंक्ति के न्यूनतम अवयव को उसी पंक्ति में से घटाना है। उसके बाद फिर हमको प्रत्येक स्तंभ के न्यूनतम अवयव को उसी स्तंभ में से घटाना है। तो पहले पंक्ति वाला प्रोसेस काम में लेना है, फिर स्तंभ वाला लेना है, यानी पंक्ति समानयन करना है, फिर स्तंभ समानयन करना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न से ही हम पहली सारणी तो प्रश्न वाली ही काम में ले रहे हैं और यहां पर लिख लेते हैं पंक्ति समानयन करने पर। पंक्ति समानयन करने पर, अब पंक्ति समानयन का अर्थ सबको पता लगी क्या होगा, क्या करना है। तो उसके लिए ये टेबल हमें दोबारा से बनानी है और उसके अंदर हमको ये अवयव लिखने, किस तरीके से लिखने, प्रत्येक पंक्ति के न्यूनतम अवयव को उसी पंक्ति में से घटा के लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए तो ये टेबल हमको यहां पर दोबारा से बनानी है इसी तरीके से बिल्कुल। ठीक है, हमने ये टेबल बना रहे हैं हम यहां पर और उसके अंदर ये सारी एंट्रीज करेंगे फिर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर तो है ये ए बी सी डी जो प्रश्न के अंदर हमको दिया हुआ है, ए बी सी डी वो हमको यहाँ पर कार्य दिए हुए हैं और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है ये यहाँ पर सबॉर्डिनेट है, यानी कि व्यक्ति है। देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएंगे चार कार्य ए बी सी और डी। ये हो गया। अब देखिए यहां पर देखिए पहली पंक्ति के अंदर जो न्यूनतम संख्या है वो है 11। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली पंक्ति के अंदर न्यूनतम संख्या है 8। तो इस न्यूनतम संख्या को हमें क्या करना है,
इसी पंक्ति में से सभी अवयवों में से घटा करके यहां पर लिखनी है नई सारणी के अंदर। तो आठ में से आठ को घटाया हमने, जीरो हो गया। फिर आठ को घटाया छब्बीस में से, अट्ठारह आ जाएगा, ठीक है। आठ को घटाएंगे सत्रह में से, नौ आ गया, और ग्यारह में से घटाया तो तीन आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी पहली पंक्ति हो गई। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति को ले लेना है। दूसरी पंक्ति के अंदर न्यूनतम अवयव हमको दिख रहा है यहां पर चार है, तो चार को प्रत्येक अवयव में से घटा लेंगे, तेरह में से माइनस करेंगे फोर तो नाइन आ जाएगा, अट्ठाईस में से करेंगे फोर को तो ट्वेंटी फोर आ जाएगा, फोर में से फोर को माइनस किया जीरो हो गया, ट्वेंटी सिक्स में से किया तो ट्वेंटी टू बच गया, ठीक है। थर्ड रो के अंदर जब हम आएंगे तो न्यूनतम अवयव हमको यहां पर दिख रहा है पंद्रह, पंद्रह को प्रत्येक संख्या में से घटाएंगे, थर्टी एट में से माइनस करेंगे पंद्रह को तो ये हो जाएगा ट्वेंटी थ्री, नाइनटीन में से करेंगे तो फोर, एट्टीन में से करेंगे तो थ्री, और फिफ्टीन में से फिफ्टीन को माइनस किया तो जीरो हो गया। इसके बाद फोर्थ रो के अंदर हम आएंगे तो यहां पर न्यूनतम जो मिनिमम एलिमेंट है वो टेन है, तो 10 को सब में से माइनस करेंगे तो यहां पर रह जाएगा 19 में से 10 गए तो 9, 26 में से 10 गए तो 16, 24 में से 10 गए तो 14, और 10 में से 10 गए तो 0। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया पंक्ति समानयन, ठीक है। पंक्ति के प्रत्येक पंक्ति के न्यूनतम अवयव को हमें उसी पंक्ति में से घटा करके नई सारणी बना लेनी है, तो ये कहलाता है पंक्ति समानयन। अब हमको करना है इसके बाद स्तंभ समानयन, ठीक है। देखिए स्तंभ समानयन करने पर, तो स्तंभ समानयन जब हम करेंगे तो यही सारणी हमको फिर से दोबारा बनानी है। ठीक है, देखिए तो इस सारणी को हम दोबारा से बना लेते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये हो गया ए बी सी और डी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्तंभों को लेना है। पहले स्तंभ के अंदर देखो, पहले स्तंभ के अंदर न्यूनतम संख्या है जीरो, तो जीरो को इन सभी में से घटाएंगे तो ऐसा कैसे ही आ जाएगा, जीरो घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से थर्ड वाला जो है, थर्ड और फोर्थ कॉलम जो है उनमें भी न्यूनतम अवयव जीरो ही है, तो जीरो को प्रत्येक संख्या में से घटाएंगे तो वो की वही संख्या आ जानी है। केवल सेकंड के अंदर सभी में अवयव लिखे हुए हैं, जीरो नहीं है कहीं भी, तो न्यूनतम अवयव यहाँ पर चार है, तो इस चार को प्रत्येक संख्या में से हमें घटाना है। देखिए देखिए, तो पहली कॉलम के अंदर न्यूनतम अवयव जीरो है, जीरो को प्रत्येक अवयव में से घटाया कॉलम के, तो ये ऐसा कैसे ही आ जाएगा, ये पहला कॉलम तैयार हो गया हमारा। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम के अंदर चार न्यूनतम संख्या है, तो चार को प्रत्येक संख्याओं में से घटाया तो ये हो गया चौदह, और यहाँ बीस चौबीस में से घटाया तो बीस, चार में से चार को माइनस किया जीरो, सोलह में से चार किया तो बारह, और थर्ड और फोर्थ में तो न्यूनतम अवयव जीरो ही है, इसलिए ये कॉलम ऐसा कैसे ही आ जाएगा, ये हो गया तीन बाईस जीरो और जीरो। ये हमारे पास पंक्ति समानयन और स्तंभ समानयन दो हमारे पास पॉइंट हो गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमको तो इसके बाद हमको
शून्यों का निर्दिष्टीकरण करना है। तो पहला पॉइंट तो क्या है, पंक्ति समानयन, और दूसरा पॉइंट है स्तंभ समानयन। स्तंभ समानयन करने के बाद हमको शून्यों का निर्दिष्टीकरण करना है, यानी प्रत्येक पंक्ति के अंदर हमको एक एक जीरो को लेना है, प्रत्येक पंक्ति में से एक एक जीरो को लेना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए तो एक और सारणी हम बनाते हैं। शून्यों का निर्दिष्टीकरण करने पर शून्यों का निर्दिष्टीकरण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी सारणी को हम दोबारा बनाएंगे और उसके अंदर प्रत्येक पंक्ति के अंदर एक एक जीरो को लेकर के देखते हैं हम। तो पहले एक सारणी बना लेते हैं, उसमें शून्यों का निर्दिष्टीकरण करके देखेंगे। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हम यहां पर ले लेंगे जैसा प्रश्न में दिया हुआ था। ठीक है, अब देखिए इन्हीं अवयवों को ऐसा का ऐसा ही यहां पर लिख लेते हैं हम। पहले वो का वही अवयव यहां पर लिख लेना है सारे। तो सारे अवयव ऐसे कैसे लिख लेने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। देखिए तो अब यहां पर मेन चीज क्या है, शून्यों का निर्दिष्टीकरण करना है। तो अब देखिए किस तरीके से करेंगे, प्रत्येक पंक्ति के अंदर एक शून्य हमें यहां पर लेना है। तो देखिए जैसे हमने इस पहली पंक्ति के अंदर केवल एक ही जीरो है तो हमको इसको लेना पड़ेगा, तो हमने इसको ले लिया। जैसे मान लीजिए हमने इसको ले लिया, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया कि पहली पंक्ति के अंदर हमने ये पहला जीरो ले लिया। अब देखना क्या है कि इस जीरो के अलावा इसके नीचे जो स्तंभ में अभी आप लिख रहे हैं उनमें अगर कोई जीरो है, यानी पंक्ति का जीरो सेलेक्ट कर लिया लेकिन उसके नीचे स्तंभ में अगर कोई जीरो है तो वो कट जाएगी, ठीक है, या फिर पंक्ति में ही इस जीरो के अलावा कोई और जीरो होंगी तो वो कट जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर इस पंक्ति में और इस स्तंभ में कोई भी जीरो नहीं है इसलिए कोई जीरो नहीं कटेगी। तो पहली पंक्ति हमारे पास हो चुकी, यहां पर हमने जीरो ले लिया। अब देखिए सेकंड वाली जो पंक्ति है उसमें भी केवल एक ही जीरो है, तो जब किसी पंक्ति के अंदर एक ही जीरो होता है तो उसको तो लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम दो जीरो है तो किसको ले, एक ही जीरो है तो उसको लेना पड़ेगा। तो यहां पर हमने सेकंड वाली पंक्ति के अंदर भी इस जीरो को ले लिया। अब इसमें आप देखोगे कि इसके अलावा कोई जीरो इस स्तंभ में नहीं है इसलिए नहीं कटेगी ये। अब यहां पर क्या होगा, थर्ड पंक्ति में आ जाते हैं, थर्ड पंक्ति के अंदर दो जीरो है तो अब यहां पर हमको सोचना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सी जीरो हम लेते हैं। देखिए अगर हम इस सेकंड कॉलम वाली जीरो को लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम इसको लेते हैं जीरो को, सेकंड कॉलम वाली जीरो को, तो फिर ये कट जाएगी। ठीक है, नियम यही है ना कि जिस भी जीरो को हम ले रहे हैं उस पंक्ति में जितनी और जीरो होंगी वो कट जाएगी और उस स्तंभ में जितनी जीरो होंगी वो कट जाएगी, तो ये कट जाएगी। तो ये कट गई तो उसके बाद क्या होगा, डी वाली जो पंक्ति है चौथी पंक्ति उसमें भी केवल एक ही जीरो रह जाएगा तो हमको इसको लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो चारों पंक्तियां हैं उनमें हमको एक एक जीरो मिल गई। इसके अलावा देखिए दूसरा अगर मान लीजिए हम तीसरी पंक्ति के अंदर से इस वाली जीरो को लेते हैं, चौथे कॉलम वाली जीरो को, तो चौथे कॉलम वाली जीरो को जब हम लेंगे तो इस पंक्ति के अंदर ये वाली जीरो है सेकंड कॉलम की, ये कट जाएगी
और इसके नीचे जो ये जीरो आ रही है ये भी कट जाएगी। और ऐसा करने से क्या होगा कि चौथे पंक्ति के अंदर फिर कोई भी जीरो बचेगी नहीं, तो चौथी पंक्ति के अंदर शून्यों का निर्दिष्टीकरण नहीं होगा, जबकि हमको प्रत्येक पंक्ति में से एक जीरो लेनी है। तो जीरो का चयन इस प्रकार करना है कि प्रत्येक पंक्ति के अंदर एक जीरो आए। तो ये वाला जो तरीका है ये अभी यहाँ पर नहीं चलेगा। चौथे स्तंभ वाली जीरो को अगर लेते हैं तो हम उसके नीचे की जीरो को काटना पड़ेगा, तो फिर चौथे पंक्ति के अंदर कोई जीरो नहीं बचेगी, इसलिए हम इस जीरो को नहीं ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर भी हमको कौन सी जीरो लेनी पड़ेगी, यहां पर हमको ये वाली जीरो लेनी पड़ेगी और फिर इसके बाद ये जीरो इस जगह से कट जाएगी। तो नीचे चौथी पंक्ति के अंदर फिर हमारे पास एक ही जीरो बचेगी, तो इसको भी हमें लेना पड़ेगा। तो जो भी जीरो हमने लिए उसको हम एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। तो उसको हमें एक बॉक्स के अंदर बंद कर देना है इस तरीके से, जो भी जीरो हमने लिए। पहले तो हमको चेक करना है कि हम उस जीरो को ले भी सकते हैं या नहीं, और अगर ले सकते हैं, फाइनल हो जाता है कि इस जीरो को हम ले रहे हैं, तो फिर उसको ऐसे हम बॉक्स में बंद कर देंगे। ऐसे करने से क्या होगा कि अब हमारे पास इष्टतम हल आ गया। इष्टतम हल कैसे आएगा कि ये जो हमने जीरो लिए इन जीरो की जगह पर प्रारंभिक सारणी में क्या संख्याएं लिखी हुई थी, वास्तविक संख्याएं क्या लिखी हुई थी, उन संख्याओं को हम ले लेंगे। वो संख्याएं हमारे इष्टतम हल में काम में आएंगी और उन संख्याओं को हम जोड़ेंगे। चार जीरो है तो इनकी जगह पर क्या संख्याएं लिखी हुई थी उन संख्याओं को हम जोड़ेंगे, तो हमारे पास न्यूनतम समय आ जाएगा। जैसा कि प्रश्न में पूछा है कि न्यूनतम समय ज्ञात करो, तो न्यूनतम समय आ जाएगा इनके अंदर जो संख्याएं लिखी हुई है उनको। अब वो कैसे लिखेंगे देखिए, इष्टतम हल लेने पर, तो इष्टतम हल कैसे लेंगे, यही सारणी हमको एक बार फिर से बनानी पड़ेगी और उसमें उस इष्टतम हल को हम लिखेंगे। देखिए चलिए देखिए, ये हो गया यहाँ पर फर्स्ट, ये व्यक्ति है यहाँ पर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और यहाँ पर आ गया ए बी सी और डी। देखिए अब हमने क्या लिया था, पहली पंक्ति के अंदर पहला अवयव है इस जगह का, दूसरी पंक्ति के अंदर बी वाली पंक्ति के अंदर तीसरे नंबर का अवयव है इस जगह का, ये लेना है हमको। तीसरी के अंदर हमें दूसरे स्तंभ वाला अवयव लेना है सी वाली पंक्ति में, ये लेना है, और डी के अंदर हमको लास्ट वाला अवयव लेना है इस जगह पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो जीरो हमने लिए वो ये वाली जगह है। अब प्रारंभिक सारणी यानी कि जो प्रश्न था उस प्रश्न के अंदर इस जगह पर क्या संख्याएं लिख रही थी वो संख्याएं हमको यहां पर देख करके लिख देनी है। देखिए प्रारंभिक संख्या है थी आठ है, और सेकंड पंक्ति का तीसरा, सेकंड पहली पंक्ति का तो आठ हो गया, ठीक है। और चलिए इसको लिखते हैं पहले, तो पहली पंक्ति में इस जगह पर आठ हम लिख लेंगे, ठीक है। बी वाली पंक्ति के अंदर तीसरे स्तंभ की संख्या लिखनी है, तो बी वाली पंक्ति के अंदर तीसरे स्तंभ की संख्या चार है, इसको लिख लेंगे, इस जगह पर चार आ जाएगा। सी वाली पंक्ति के अंदर दूसरे स्तंभ की संख्या लिखनी है, तो सी वाली पंक्ति के अंदर दूसरे स्तंभ की संख्या यहां पर 19 है, और फिर डी वाली पंक्ति के अंदर लास्ट में 10 है, तो 19 और 10 हमको और ले लेना है, तो इस जगह पर आ जाएगा 19 और इस जगह पर आ जाएगा 10। तो यह हमारा इष्टतम हल हो गया, और यहां पर अब हम न्यूनतम समय निकाल सकते हैं। न्यूनतम समय, तो न्यूनतम समय हो जाएगा 8
प्लस 4 प्लस 19 और प्लस 10। तो डियर स्टूडेंट्स कितना हो गया ये, 8 और 4 12 और 19 31 और 10 41। तो 41 इकाई आ गया। अब इकाई अगर प्रश्न में दे रखी है, मिनट में दिया हुआ है कि सेकंड में है या घंटे में है, तो अगर वो दे रखी है तो वो लिख सकते हैं, नहीं तो हम केवल इकाई लिख करके यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, केवल समय दे रखा है, तो समय को हम 41 इकाई लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 41 इकाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों को सॉल्व करने का सीधा सा तरीका जो हमने यहां पर किया है वो ये है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं सारी चीज। जो भी प्रश्न हमको दिया जाता है उसमें सबसे पहले तो हमको ये चेक कर लेना है कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे इस प्रश्न के अंदर 4 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं, तो ये ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान नहीं है, तो वो समान करनी पड़ेगी। उसकी विधि है वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। अभी यहाँ पर 4 पंक्ति 4 स्तंभ है तो ये सारणी ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, पंक्ति समानयन करना है। पंक्ति समानयन करने के लिए प्रत्येक पंक्ति के न्यूनतम अवयव को उसी पंक्ति में से घटा करके एक नई सारणी बना लेनी है, तो वो हमने यहां पर बनाई। पंक्ति समानयन होने के बाद स्तंभ समानयन करना है, और स्तंभ समानयन में क्या होता है कि प्रत्येक स्तंभ के न्यूनतम अवयव को उसी स्तंभ में से घटा घटा करके नेक्स्ट सारणी हमको तैयार करनी है। तो प्रत्येक स्तंभ के न्यूनतम अवयव को घटा करके हमने ये नई सारणी बना ली। ये सारणी बनने के बाद इसमें हमें चेक करना है कि प्रत्येक पंक्ति के अंदर एक शून्य को हम ले सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए हमने इन्हीं पूरे अवयवों को एक नई सारणी के अंदर लिखा, और प्रत्येक पंक्ति के अंदर एक शून्य को हमने यहाँ पर चेक किया, ले सकते हैं या नहीं। जिस पंक्ति के अंदर केवल एक ही शून्य है उसको तो लेना ही है, लेकिन जब किसी पंक्ति के अंदर एक से ज्यादा शून्य आ जाते हैं तो वहां हमें चेक करना पड़ेगा कि हम कौन सा शून्य लें। ऐसा शून्य लेना पड़ेगा जिससे कि बाकी शून्य कटने के बाद भी अगली जो बची हुई पंक्ति है उसमें भी कोई शून्य आ जाए, जैसा यहाँ पर तीसरी और चौथी पंक्ति में हो रहा था। अगर हम तीसरी पंक्ति का लास्ट वाला अवयव लेते हैं जीरो, तो फिर उसके नीचे वाला जीरो कट जाता है और फिर चौथी वाली पंक्ति के अंदर कोई जीरो नहीं बचेगा लेने के लिए। इसलिए इसको ना लेकर के हमने सी वाली पंक्ति के अंदर दूसरे नंबर का जीरो लिया है, ताकि ये जीरो कट गया तो उसके बाद चौथी पंक्ति का एक जीरो आ जाता है। तो ये जीरो जिस जिस जगह पर आए उस जगह पर प्रारंभिक सारणी के अंदर क्या संख्याएं लिख रही थी, केवल उनको जोड़ना है। जोड़ने से हमारे पास इष्टतम हल आ जाएगा। अगर समय है तो समय आ जाएगा, जो भी कुछ प्रश्न पूछा है उसका मान आ जाएगा। तो नेक्स्ट सारणी के अंदर हमको वो जीरो की जगह पर कौन सी संख्याएं लिख रही थी, केवल उन संख्याओं को लिखना है और उनको जोड़ देना है, तो ये इसका न्यूनतम समय का हल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी को ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके इसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर कुछ कमी रह भी जाती है तो हम नेक्स्ट एग्जांपल अभी और समझेंगे, तो उसके अंदर भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर कोई विद्यार्थी मेरे इस चैनल पर आज नया है और उसको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी विद्यार्थी इस वीडियो से कुछ सीख सकें। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं और